आपका क्या सवाल? दादा इरफान अंसारी का एक वीडियो देखा, मुझे उम्मीद नहीं था कि 3.5 लाख वोट लेकर आएंगे जयराम, तो राहुल गांधी जी से बात करेंगे और उनको कांग्रेस में लेकर आएंगे और तमाम तरह की बातें जो आपको लेकर कहते हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए हमको तो डाउट है कि उनका राहुल गांधी से बात होता भी है कि नहीं, तो सबसे पहले देखिए ठीक है सुनने में आ रहा है कि इरफान दा मंत्रिमंडल संभालने जा रहे हैं, तो पहले उनको बधाई देते हैं और उनको कहेंगे कि थोड़ा सा ये जो कॉमेडी वाला बात करते हैं ना, देखिए इरफान दा नो डाउट उनको लोग इसीलिए फॉलो करके रखे हैं कि दिन भर का तनाव को मुक्त करें उनको सुनकर, तो उनको बोलेंगे थोड़ा आप सीरियस पर्सन बनिए, अगर आप मंत्रिमंडल में जाने वाले हैं आलम के स्थान पर तो आपका विषय क्या होगा, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको विषय देता हूँ, आपका सबसे पहला विषय होगा कि जामताड़ा को साइबर क्राइम के धब्बे से मुक्त कराइए, सबसे बड़ा विषय आपका होगा। आपका दूसरा विषय होगा कि जामताड़ा की स्थिति देखिएगा, जामताड़ा के 95% जो पेशेंट होते हैं वो धनबाद आते हैं इलाज करने के लिए, और आप बतौलेबाजी करते हैं, आप रणधीर सिंह के साथ बतौलेबाजी करते हैं, तो कभी भानु प्रताप शाही से तो कभी निशिकांत दुबे से, ठीक है कटाक्ष कीजिए, लेकिन जो जेन्युइन समस्या है, जो गंभीर समस्या, उन पे बात कीजिए, उन पे काम कीजिए, उन पे रोड मैप तैयार कीजिए, तो उनको हमारा ये संदेश रहे। आपको टिकट दिलवा रहे हैं, ठीक है पहले आपका उनका सीट संकट में है, वो हमारे साथ आए, लेकिन आपने समीक्षा किया, कारण आपको क्या लगा? देखिए समीक्षा में कारण यही लगा कि इस बार जो देश का माहौल अभी भी इस बार रहा कि हम लोग देखिए हम लोग वोट अपनी रास्ता कहाँ तैयार कर रहे थे, अगर मैं गिरिडीह लोकसभा की बात करूं तो 3.5 लाख से 3.5 लाख एनडीए वोटर है, एनडीए का प्रत्याशी कोई रहे, आपराधिक मामला रहे, वो अच्छा काम करे या ना करे, वो अगर पैराशूट से भी आए, अगर वो कन्याकुमारी और कश्मीर से भी अगर आके गिरिडीह में चुनाव लड़ता तो उसको 3 लाख 3.5 लाख वोट आते ही आते, तो यानी एक वोट आपका था एनडीए का जो 3.5 लाख के आसपास खड़ा हो रहा है, प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं, अच्छा है बुरा है काम करे ना करे कोई मतलब नहीं है, और ठीक उसके उल्टा भी 3 लाख वोट खड़ा कि हम एनडीए को नहीं देंगे, तो उन 3-3 लाख वोटों के बीच अगर जरा मतलब 3.5 लाख वोट कर ले आता है, बहुत बड़ा कलेजा जिगर और बहादुरी का काम है, हम लोग एक जो नई पहचान बनाए बहुत चैलेंजिंग विषय था, क्योंकि आप किसी भी लोकसभा में देख लीजिए 3 लाख वोट एनडीए का है और 3 लाख ठीक इस विचारधारा के विपरीत वोट है, और उस भीड़ में आप एंट्री करते हैं बिना किसी संसाधन के, बिना किसी बूथ मैनेजमेंट के, बिना किसी टीम के, और आप उसी के अनुपात में वोट लेके आते हैं, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। देखिए हम उन्हीं के सवाल पे चलेंगे, थोड़ा सा हालांकि आपको खराब लग गया था, खराब नहीं लगेगा, क्योंकि जो हम लोग महसूस कर रहे हैं कि आप विधानसभा चुनाव में अब उतर रहे हैं, अब बात है शहरी क्षेत्र का, ठीक है ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी पकड़ है, लेकिन शहरी क्षेत्र जो है, जो बाहरी भीतरी का एक धब्बा आप पे लग गया है, इसको कैसे आप धोएंगे? देखिए एक बात हम स्पष्ट कह रहे हैं, ये लड़ाई बाहरी भीतरी की कब रही, हमने ये कहा कि जिस प्रकार अच्छी बात बताइए, आज भारतीय जनता पार्टी जिसकी आप बात करते हैं, उड़ीसा में किस आधार पे चुनाव जीता, क्या किसी को आइडिया है? क्योंकि लोकसभा का चुनाव था इसलिए उड़ीसा का मैसेज किसी तक नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी ने किस बेस पे उड़ीसा का चुनाव जीता? अभी कहां 5 बार के सीएम पटनायक जी, 5 बार के काबिल सीएम को पटकनी दिया, क्या आधार था? पांडियन, बीके पांडियन, जो कह सकते हैं कि क्योंकि ये तो विवाहित शायद नहीं है माननीय मुख्यमंत्री, मुझे उतनी जानकारी नहीं, उनके बच्चा शायद नहीं है, तो उनको अडॉप्ट कर रहे थे सीएम। पांडियन कौन है? साउथ के हैं। बीजेपी उड़ीसा में क्या नारा देती है कि साउथ इंडियन उड़ीसा में नहीं चलेंगे, तो हम भी वही चाहते हैं कि कोई भी पूरे भारत के लोग यहाँ आए, अपना व्यवसाय करें, रहे खाएं, लेकिन नेतृत्व झारखंड के मूलवासी करेंगे, यही बीजेपी का नारा है। पब्लिक जनता को लेके आप क्या संदेश देंगे, कैसे लिएगा? बिल्कुल आप ये जो भाव उत्पन्न हो रहा है, चूंकि हमारे भी लोकसभा में ये आया था कि जयराम जीतेगा तो आपको बस में बैठ के घर जाना होगा, बिल्कुल ये गलत बातें हैं। आप जहां रहते हैं वहां आप जिस नौकरी को करते हैं, आप जहां लीगली तरीके से रहते हैं, स्वागत है आपका। हमारे लोग भी लगभग 16 से 18 लाख लोग प्रदेशों में रहते हैं, ऐसा नहीं है ये केवल भरा में, लेकिन हाँ नेतृत्व का अवसर इस राज्य के लोगों को मिले ये सबको स्वीकारना होगा। एक सवाल है, गोमिया विधायक लंबोदर महतो बोल रहे हैं कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के हिसाब पे काम करते हैं। अच्छा, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के इशारे पे काम करते हैं तो डुमरी में हमको 90,000 वोट कैसे आता? एक पीएचडी वाले व्यक्ति अगर इस प्रकार का बयान दे रहे हैं तो हमको लगता है उचित नहीं है। टुंडी में हमको 60,000 वोट फिर कैसे आ जाता? बेरमो जो महागठबंधन का सीट है वहाँ हमको 50,000 वोट कैसे आता? बोलते उपचुनाव में जब कैसा सीट नहीं, हमने स्पष्ट कहा है कि हमारा पहला चुनाव किसी की मौत पे नहीं लड़े, वहाँ स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की मृत्यु हुई थी और हम लोग पहला चुनाव शुरुआत किसी की मौत से करें ये हमारा, चूंकि हम लोग सिद्धांतिक पॉलिटिक्स करेंगे चुनाव हार जीत से ऊपर। अगर हम लोग को केवल चुनाव ही फोकस होता तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक पार्टी ने तो हमको यहाँ तक कहा था कि अगर आप नहीं लड़ेगा तो देवेंद्र जी को मना दीजिए, आप एक लड़का हमको दे दीजिए चुनाव लड़ने के लिए, हम लोग को प्रत्याशी नहीं मिल रहा। तो अगर हम लोग को सांसद बनना होता तो आज जयराम महतो के साथ आप नहीं बैठे होते, आज सांसद जयराम महतो के साथ आप बैठे होते, क्योंकि मुझे भी आइडिया है कि किस सीट को कौन निकाल सकता है। दोनों दलों ने हमें सीधा ऑफर दिया था, एकदम सीधा, दिल्ली से डायरेक्ट टेलीफोन था, एक से हमारा 18 मिनट टॉक हुआ था, एक से 4 मिनट 45 सेकंड टॉक हुआ था कि आप लड़िए हमारे
और ऐसा नहीं कि आप एक सीट से, क्योंकि हम नेता नहीं रहे भैया, जनता का आशीर्वाद है, हम लोग जन नेता हैं, किसी सीट से चुनाव लड़ने का मादा रखते हैं, चार पांच सीटों से चुनाव लड़ने का मादा रखते हैं। और उन्होंने वही ऑफर दिया था कि आप गिरिडीह से लड़िए, आपका मन हो धनबाद लड़िए, आपका मन हो आप रांची चले आइए। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, गांडे से भी आप नहीं उतारे, मर्ज नहीं करेंगे अगर जीतते हैं चुनाव तो? जैसे देखिए, नहीं नहीं, हम लोग हाथ जीत से ऊपर की पॉलिटिक्स करने के लिए आए हैं, कोई मर्ज नहीं करेंगे दादा। पोस्ट अलायंस पर जनता के राय के बाद हम लोग सोचेंगे, लेकिन मर्ज कहीं नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एक ऐसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि जहां हम लोग रुकेंगे आने वाली पीढ़ी वहां से स्टार्ट करेगी। देखिए पहले बात, अभी गिरिडीह अभी भी आप जाके देखिए, आप देवेंद्रता का जहां कैंपेन वहां जाके देखिए, आज भी लोग अपने घरों में चावल इकट्ठा करके रखे हैं, आज भी लोग अपने घरों में आलू और प्याज इकट्ठा करके रखे हैं। उस विश्वास का कत्ल नहीं होगा दादा, चुनाव हार जाएंगे, हार जाएंगे, क्या होगा, यहां जीने के लिए कोई थोड़ी आया है, लेकिन उन भरोसे के साथ, उन भरोसे का कत्ल नहीं किया जाएगा। हम लोग सैद्धांतिक पॉलिटिक्स करने आए हैं, बोले तो अगर हमको अपनी महत्वाकांक्षा होती हम संसद में होते, आज हम संसद में होते, जब 3.5 लाख वोट हम अकेले ला सकते हैं, अपने दम पर ला सकते हैं, तो दोनों पार्टियां हमें टिकट कर रही थी, आराम से एनडीए और यूपीए को चयन करते किसी सीट से और निकल जाते, संसद भवन में कमरा भी मिल जाता और झारखंड की समस्याओं को उस पार्टी से रख देते। लेकिन उस भरोसे का क्या होगा जो 85 साल की बूढ़ी महिलाएं आज खाना नहीं खा पा रही हैं। हम कई बार उनसे मिलने गए कि अभी चुनाव बहुत है, हम लोग अभी 29 साल के आगे भी चुनाव लड़ेंगे, रो रही हैं 5-6 साल की बच्चियां रो रही हैं कि नहीं कैसे हार गए टाइगर। तो उस भरोसे को हम लोग कहीं ना कहीं दरकिनार नहीं कर सकते हैं। सीपी चौधरी को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिला, उसका फैक्टर जयराम महतो को बता रहे हैं। देखिए उसका फैक्टर वो स्वयं है, इसलिए स्वयं है कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम लोग उनका मुद्दा क्या होगा, उन्होंने एक ही चीज कहा कि जयराम से ऊपर है राम, और स्वाभाविक है हम लोग इंसान है, राम जी हमसे ऊपर है, लेकिन क्या भगवान राम के नाम पर चुनाव लड़ना चाहिए? मुद्दे हैं लड़ने के लिए, आप उन मुद्दों पे लड़िए। अब तो मैंने राम को अल्लाह को दूर रखी राजनीति से, कब तक इस देश की राजनीति को यूं ही मतलब धार्मिक उन्माद में लोग रखेंगे? हम चाहते हैं कि पढ़े लिखे नौजवान जब आ रहे हैं राजनीति में तो कम से कम राजनीति को शुद्ध रखें। इनमें उनका स्वयं दोष है, अगर उनकी स्ट्रेटजी होती, अगर वो गाँव जाते हैं तो जयराम आते हैं कि रणभूमि में? अगर आज माननीय सांसद महोदय गांव जाते हैं, लोगों के बीच बैठते हैं, तो जरा मैं तो क्यों आते हैं? 29 साल का लड़का जिसका अभी तक आज 1 साल हम लोग का पूरा हो रहा है, पार्टी का हमने निर्माण किया हुआ, 1 साल में यहां तक कैसे आता मैडम बताइए? कहीं ना कहीं उनकी खामियां हैं, उनको बोलिए, और साथ ही साथ सबको संदेश देंगे कि आपका जो पॉलिटिक्स करने का तरीका है उसको भी बदलिए। आप जनता से कटे हैं, आप में और जनता में अंतर है, आपका महल 18वें तल्ला पर है और जनता आज झुग्गी झोपड़ी में रहती है, आप जनता से कटे हुए लोग हैं, आप जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अपने परिवार को भरने काम कर रहे हैं। और महोदय सांसद से कहिएगा कि आप तो रामगढ़ के हैं, आप सुन रहे हैं लइयो में जमीन खरीद ली है, सॉरी जो गोमिया का बॉर्डर पड़ता है नदी के उस पार, क्योंकि माइंड सुधर जाने वाला है। वाह भैया वाह, जनता से कटिएगा और बोलिएगा दो समय दीजिए, ये नहीं चलेगा। सिल्ली के पूर्व विधायक पर क्या कहिएगा? उनका धन्यवाद करेंगे, उन्होंने खुलकर सहयोग किया है, समर्थन किया है, और नो डाउट वे भी झारखंड के एक लड़ाकू नेता रहे हैं, उनका धन्यवाद देंगे, और टेलीफोनिक भी धन्यवाद दे चुके हैं, और आपके पूरे तमाम चैनल के माध्यम से उनका धन्यवाद। लेकिन ये हवा चल रहा है सोशल मीडिया में कि अमित महतो से जैविक ऐसे से टिकट मांग रहे हैं। ठीक है, अगर वे आएंगे तो स्वागत है, आए आने दीजिए, स्वागत है, अच्छे व्यक्ति है भाई, लड़े हैं। और आप कुछ दादा, एक सवाल है, एक सवाल, अमित महतो गिरिडीह में जाके खुलेआम सपोर्ट करते हैं, रांची में क्यों सपोर्ट नहीं करते खुलेआम? नहीं, उस समय शायद वो क्षेत्र में नहीं थे, क्षेत्र में नहीं थे, मेरे भी वहाँ नहीं आए, वो सिर्फ सोशल मीडिया में ही किए थे।